इस समय की सबसे बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। यह पूरा मामला मुंगेर के श्रीकृष्ण सेतु पुल का है। दरअसल मुंगेर के मुफसिल थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीकृष्ण सेतु पुल पर शनिवार की देर शाम ट्रक के टक्कर से बाइक सवार 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवम कुमार उर्फ रंजन के रूप में हुई है, जो बेगूसराय जिला अंतर्गत साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी छत्रपति यादव का पुत्र बताया जाता है। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर 112 नंबर की पुलिस वाहन मौके पर पहुंची और बुरी तरह से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर बेगूसराय से परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन बना हुआ है। बताया जाता है कि मृत युवक शिवम कुमार पूरब सराय में रहने वाले अपने जीजा के यहां बुलेट मोटरसाइकिल पहुंचाने बेगूसराय से मुंगेर आ रहा था। इसी दौरान श्रीकृष्ण सेतु पुल पर एक अज्ञात ट्रक बाइक में धक्का मारते हुए फरार हो गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया। मृत युवक 5 भाई और 1 बहन में सबसे छोटा था, जो पटना में रहकर पढ़ाई करता था और शनिवार को बेगूसराय से बाइक लेकर पूरब सराय में रहने वाले अपने जीजा के यहाँ मोटरसाइकिल पहुंचाने जा रहा था। उसी दौरान यह दुर्घटना घटी, जिसमें युवक की मौत हो गई है। सर क्या इसका मामला है? सर ये है ब्रॉड डेथ मेरे पास आया है, जो कि ये ब्रिज पर इसका एक्सीडेंट हुआ। पुलिस उठा के लाई, अब उसका परिजन सब आया है तो हम पोस्टमार्टम के लिए प्रोसीड किए। कोतवाली पुलिस को हमने लिखा है पोस्टमार्टम। क्या मौत हो गई? हाँ डेथ है, डेथ है, ब्रॉड डेथ आया था, डेथ आया। इसकी पहचान हो पाई है या? पहचान हो गई, परिजन आ चुके हैं। नाम और पता बता दीजिए। डॉक्टर रोशन कुमार, मेडिकल ऑफिसर, सदर अस्पताल। फोन आया कि पुल पर आधा पुल के हल्का एने उने होगा कि अपना एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग पहुँचे तक हेमलेट लगल है, जूता हम लोग खोले गाड़ी बलाद के लेके भाग के आए हैं। उसके बाद उनका मोबाइल भी हैंग कर गया, मोबाइल ख़त्म हो गया, फोन आ रहा है तो ना बुझा रहा है। ओकर लेके आए यहाँ लेके आए तब तो कैसे एक्सीडेंट हुआ ना हुआ हम लोग तो थे नहीं, जो फोन किया तो क्या चीज़ से था? ये बुलेट है। क्या नाम है आपका? जगमोहन प्रसाद। क्या है आप? 112 है और 112 बालू वाला रुपया तहसीलता है हर बार। हम भी एक फौज का बेटा है, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम आपको आइए दिन रात दिखाते हैं आपको कैसे माफिया बालू तहसीला जाता है रुपया 112 से। कौन था ये युवक? मेरा भाई था, वो छोटा। कहाँ गया था? कहाँ गया? आ रहा था जीजा जी, अपने जीजा जी गाड़ी देने आ रहा था। कहाँ? कल मुंगेर। उसका लेकर एग्जाम था, इसीलिए गाड़ी देने आ रहा था कल यहाँ पे। अच्छा, कैसे, क्या जानकारी मिला, कैसे एक्सीडेंट हुआ है? एक्सीडेंट देखिए, पीछे से धक्का मारा गया है, गाड़ी पूरा देख लीजिए, गाड़ी नक्शा जाकर देख लीजिए आप। क्या चीज से था ये? बुलेट से था। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मोहनपुर रहने वाले हैं। क्या नाम है जो मृतक हैं? रंजन कुमार। क्या करते थे वो? पढ़ाई करता था। कब निकले थे बेगूसराय से? बेगूसराय मोहनपुर बगल में पुल कुछ पर मोहनपुर है, रानपुर पंचायत पड़ता है, साबर कुमार प्रखंड पड़ता है। अच्छा, कहाँ जा रहा था पहुँचाने? मुंगेर आ रहा था। कब निकला था घर से? घर से अभी आधा घंटा पहले निकला था। अच्छा, मुंगेर में कहाँ आ रहा था? मुंगेर में कहाँ आ रहा? मुंगेर पूरा सराय आ रहा था गाड़ी देने के लिए। जिया जी को मोटरसाइकिल देने? हाँ, जिया जी को मोटरसाइकिल देने। कौन सी गाड़ी मारा है, कुछ पता चल पाया? अभी सबको पता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। कौन है उनका भाई? है बराबर।